आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बीते दिनों सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे में सड़क हादसे का शिकार हुए थाना प्रभारी को एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली भेजा गया है। बता दें कि अभी तक घायल टीआई रामविलास त्रिपाठी का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा था, जहां अचानक स्वास्थ्य में आई गिरावट के बाद परिजन उन्हें बाय एयरलिफ्ट दिल्ली ले गए हैं। बता दें कि टीआई की हालत को देखते हुए परिजनों ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बात की थी, जिसके बाद शनिवार की देर शाम 6 बजे चौराहा हवाई पट्टी से उन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली रवाना किया गया है। बता दें कि 23 मार्च को क्राइम मीटिंग में शामिल होकर देर रात 1 बजे नयागांव थाना प्रभारी रामविलास त्रिपाठी चित्रकूट जा रहे थे, तभी हाथी मोड़ के समीप उनका वाहन सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराया था। अचानक हुए इस हादसे में थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनमें से थाना प्रभारी को गंभीर चोटें आई थी और उन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। फिलहाल टीआई की हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों की सलाह पर परिजन बेहतर उपचार के लिए उन्हें शनिवार को एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली ले गए हैं।